आराध्य देव के चरण में वंदन, आदरणीय समी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 25 बोलों की चतुर्भंगी की हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हमने 13 बोलों की चर्चा कंप्लीट की, 14वें बोल की हमारी चर्चा चल रही है। तो 14वें बोल के अंतर्गत हमने कल चर्चा की थी जीव तत्व की 14 वेदों की चर्चा, आश्रय की 20 वेदों की चर्चा की थी। आज हम उसके आगे जो संवर के, निद्रा के, मोक्ष के भेद हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके आगे की बोलों की भी हम चर्चा करेंगे। संवर के 20 भेद, तो तुम्हारे में संवर के भेद कितने, तुम्हारे में हम में आप में संवर के भेद कितने। संवर के जो 20 भेद हैं उनमें से श्रावक में सम्यक्त्व के कितने भेद पाते हैं। श्रावक की अपेक्षा एक ही पाएगा क्योंकि श्रावक में सम्यक्त संवर हो सकता है, और साधु की अपेक्षा से दो पाएगा, सम्यक्त्व और व्रत संवर। ठीक है, संवर जीव या अजीव, संवर जीव है क्योंकि संवर कौन करता है, जीव करता है, अजीव कभी नहीं करता है, इसलिए संवर जीव है। ठीक है, फिर किस संवर के जीव कम, किस संवर के जीव अधिक, अयोग संवर के जीव कम और सम्यक्त संवर के अधिक। अयोग संवर के कम क्यों, क्योंकि अयोगी अवस्था 14वें गुण स्थान में ही मिलती है। अयोगी जीव बहुत कम होते हैं क्योंकि 1 से 13 गुण स्थान तक सब सयोगी होते हैं, यानी योग का मतलब है मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो योग की जो प्रवृत्ति है वो 13 गुण स्थान तक चलती है, 14वें गुण स्थान में ही जीव अयोगी बनता है। तो अयोगी बहुत कम जीव होते हैं और बाकी जो जीव है वो ज्यादा होते हैं, सम्यक्त संवर वाले ज्यादा होते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व है वो चारों गतियों में पाया जाता है। नरक गति के जीवों में भी सम्यक्त्व हो सकता है, देव गति के जीवों में भी हो सकता है, तिरंज गति में भी हो सकता है और मनुष्य गति में भी हो सकता है। तो चारों गतियों में संवर हो सकता, सम्यक्त्व हो सकता है, सम्यक्त संवर है वो चारों गतियों में हो सकता है। तो सम्यक्त संवर वाले जीव अधिक होते हैं, अयोग संवर वाले कम होते हैं, क्योंकि अयोग संवर कब होता है, 14 जो गुण स्थान है, लास्ट गुण स्थान जिसका नाम है अयोगी गुण स्थान। तो 14वें गुण स्थान में जीव अयोगी संवर को प्राप्त होता है, तब तब तो हम एक्टिविटीज मन वचन काय की करते ही रहते हैं। 13वें गुण स्थान तक हमारी प्रवृत्ति चलती रहती है, एक्टिविटीज मन वचन काय की चलती रहती है, इसीलिए अयोग संवर वाले जीव बहुत कम होते हैं और सम्यक्त संवर वाले सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व की प्राप्ति चारों गतियों में हो सकती है और चारों गतियों में वो जीव भी होते हैं उस अपेक्षा से। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, संवर किस कर्म का उदय। तो संवर है वो उदय नहीं है, क्योंकि संवर की प्राप्ति कब होती है, मोह कर्म हमारा जितना जितना उपशम होता है, उपशम यानी शांत होता है, तब हमें त्याग करने की भावना जागृत होती है, या क्षय होता है या क्षोपशम होता है, तब हमारे भीतर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, यानी सम्यक्त्व संवर की प्राप्ति होती है, त्याग करने की भावना जागृत होती है। सम्यक्त्व है वो तो 4थे गुण स्थान में आ जाता है, लेकिन जो व्रत संवर है वो 5वें गुण स्थान में आता है आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से 6ठे गुण स्थान में व्रत संवर प्राप्त होता है, क्योंकि 6ठे गुण स्थान में साधु बनता है, तो साधु के पूर्ण त्याग होता है, उनके कोई भी छूट नहीं होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। जो श्रावक होता है वो अपनी इच्छा से लिमिट करता है कि मैं 5 ड्रेस से ज्यादा नहीं पहनूंगा, या जितनी भी 5 मकान से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना खुला रख सकते हैं। लेकिन जो साधु होता है वो, उनके कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, वो पूर्ण त्यागी होते हैं, उनके कोई छूट नहीं कि अमुक स्थिति होगी तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं होता है। चाहे साधु बीमार भी हो जाए तो भी कोई उनको आगार नहीं होता है, छूट नहीं होती है, वो भले ही प्राण त्यागना पड़े लेकिन वो त्याग नहीं तोड़ सकता है। गृहस्थ होते हैं वो बोलते कि इमरजेंसी होगी तो हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन बिना इमरजेंसी हमारी त्याग है, ऐसे करते हैं ना श्रावक लोग। लेकिन साधु की इमरजेंसी हो चाहे इमरजेंसी न हो, उनके दोनों स्थितियों में त्याग ही होता है। तो साधु होता है वो पूर्ण रूप से संयमी होता है, त्यागी होता है,
वो त्याग करने की भावना कब होती है? जब मोह कर्म का हमारा जो उपशम होता है, ठीक है, क्षय होता है, क्षोपशम होता है, तब वो होता है। जब तक मोह कर्म का उदय होता है तब तक व्यक्ति त्याग करने की इच्छा नहीं होती है। आप घंटों घंटों खाते नहीं है लेकिन त्याग करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अभी तक मोह कर्म इतना बड़ा हमारे सिर पे मंडरा रहा है, जिसके कारण घंटों तक नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन मन में नहीं आता, अरे हमारा टाइम ऐसे ही चला जा रहा है, हम कम से कम त्याग तो कर सकते हैं, मनुष्य भाव मिला इसी में हम त्याग कर सकते हैं, बाकी कोई भाव नहीं है जिसमें हम संवर कर सके। संवर की साधना मनुष्य भाव में ही हो सकती है, निर्जरा तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन संवर की साधना मनुष्य ही कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बताया कि संवर है किस कर्म का उदय है, तो संवर है मोहनी कर्म का उपशम, क्षायिक क्षायोपशमिक, या तो मोह कर्म दबता है, उपशम यानी शांत होता है, या पूर्ण क्षय हो जाता है, या क्षोपशम का मतलब थोड़ा क्षय होता है थोड़ा उपशम होता है, क्षय और उपशम उसका नाम है क्षायोपशमिक भाव। ठीक है, तो संवर है वो उदय नहीं है, लेकिन मोहनी कर्म का उपशम क्षायिक क्षायोपशमिक भाव है। ये संवर के 20 भेदों की चर्चा कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है निर्जरा के 12 भेद। तो निर्जरा के 12 भेद हैं अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसन्नता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये 12 भेद हैं निर्जरा के। तो निर्जरा से क्या होती है? आत्मा की शुद्धि होती है। जो आत्मा पे जो लगे हुए कर्म है वो निर्जरा से सेपरेट होते हैं। तो निर्जरा के कौन कौन से भेद है, क्या करने से निर्जरा होती है? उपवास करने से होती है, अनशन का मतलब उपवास आदि तपस्या करना, उनोद्री का मतलब भूख से कम खाना, जितनी भूख है उससे थोड़ा हमने कम खाया 2 ग्रास तो हमारी उनोद्री हो गई, उनोद्री करने से भी हमारी निर्जरा होती है, और अनशन उनोद्री, भिक्षाचरी यानी कोई प्रतिज्ञा करना, आज मैं माला फेर के ही ब्रेकफास्ट करूंगा, आज मैं भक्तामर का स्वाध्याय करके ही मैं लंच लूंगा, उससे पहले लंच नहीं लूंगा, कोई प्रतिज्ञा संकल्प करना, अमुक में करके ही, इतने पेज में पढ़ करके ही मैं अपने मुंह में पानी डालूंगा, जब तक नवकार मंत्र की माला नहीं होगी, जब तक सामायिक नहीं होगी, तब तक मैं मुंह में पानी भी नहीं डालूंगा, ऐसे संकल्प करना। ठीक है, तो उससे भी हमारी क्या होती है, निर्जरा होती है। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, रस परित्याग यानी भिगे जो दूध दही घी, दूध दही घी तेल गुड़ चीनी, ये 6 विगे हैं और 3 महाविगे हैं, मक्खन मांस और मदिरा, तो 9 विगे का त्याग तो रोज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो महाविगे हैं उनका त्याग कर सकते हैं, जैसे मक्खन है जो ताजा मक्खन होता है छाछ से निकालते हैं वो महाविगे में नहीं आता है, लेकिन उसको आप 48 मिनट के बाद खाते हैं तो वो महाविघे में आ जाता है, क्योंकि कहा जाता है छाछ के बिना अगर अकेला मक्खन रहता है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, इसीलिए मक्खन को महाविघे माना गया है। ठीक है ना, मक्खन और मदिरा यानी ड्रिंक और मांस मीट वो महाविघे हैं, उनको नहीं खाते हैं। ठीक है, और 6 विघे हैं उनमें से आप कभी दूध का त्याग कर दिया, कभी दही का त्याग कर दिया, कभी गुड़ का कर दिया, कभी तेल का कर दिया, कभी घी का कर दिया, तो ऐसे उनमें से आप अल्टरनेटिव कुछ भी आप ऑप्शंस रख सकते हैं, तो इसका आप चाहे तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन 6 विगे का त्याग कर सकते हैं कि आज अष्टमी है मैं कोई विगे नहीं खाऊंगा, हो सके तो एकासन करो, एकासन नहीं कर सकते तो 6 विगे का त्याग करते हैं उसमें भी एकासन जितना लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये निर्जरा के 12 प्रकार हैं, तो उसकी मैंने विस्तार से चर्चा की है, जैन तत्व विद्या का जब मैंने पढ़ाया था बोला आपको, तो पूरी विस्तार से चर्चा की है, अब अगर आपको विस्तार से सुनना हो अब वो वीडियो भी है उसमें सुन सकते हैं, और तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे कैसे निर्जरा होती, तो निर्जरा के 12 साधन है, तो अनशन उनोद्री से लेकर के लास्ट है व्युत्सर्ग, तो इसमें से जो निर्जरा के भेद है हमारे में कितनी बातें हैं, तो 12 मनुष्य 12 सब सब कर सकता है, उपवास भी कर सकता है, उनोद्री भी कर सकता है, तो हम प्रतिज्ञा भी कर सकता है, विगे वर्जन भी कर सकता है, प्रायश्चित भी कर सकता है, विनय भी कर सकता है, मक्खन
मेडिटेशन भी कर सकता है, सेवा भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है मनुष्य। तो मनुष्य में है निर्जरा के 12 भेद पाते हैं, ठीक है। निर्जरा जीव या अजीव, जीव है, क्योंकि निर्जरा किसके होती, जीव को होती, अजीव को कोई निर्जरा नहीं होती है, तो जीव को ही निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब है जो कर्म आत्मा पे लगे हुए हैं वो सेपरेट होते हैं। जैसे सोना होता है, जब वो खान खान के अंदर होता है, तो सोना कैसा होता है, मिट्टी से भरा हुआ होता है, लेकिन उस सोने को क्या करते हैं, तपाते हैं अग्नि के अंदर। तो जैसे भाई जैसे उनको आग लगती है, आँच लगती है अग्नि की, तो वो जैसे जैसे आँच लगती जाती है, मिट्टी सेपरेट होती जाती है, सोना एकदम गोल्डन होता है, एकदम प्योर दिखाई देता है। वैसे ही आत्मा भी एकदम सोने जैसी प्योर है, लेकिन उसके ऊपर कर्म लगे हुए हैं, जिसके कारण आत्मा, हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। कई लोग बोले हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा क्यों कैसे दिखाई देगी, क्योंकि आत्मा पे एक नहीं दो नहीं आठ आठ कर्म लगे हुए हैं। इतने कर्म है, अनंत कर्म उद्गल लगे हुए हैं, वो लगे हुए होंगे तब तक हम आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए आत्मा और शरीर, आत्मा और जो कर्म है उनको सेपरेट करना होगा। वो सेपरेट जिस दिन होगा तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो हमें क्या करना है, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए क्या करना है, निर्जरा करना है। निर्जरा होती ही वो जीव को ही होती, अजीव को नहीं होती। तो निर्जरा से आत्मा पर लगी हुई जो गंदगी है, कर्मों की गंदगी, वो जो डस्ट है, कार्मिक डस्ट है, वो दूर होती, सेपरेट होती है। आत्मा पर लगी हुई कार्मिक डस्ट है वो निर्जरा से सेपरेट होती है। आश्रव से तो कर्म आते हैं, संवर से क्या होते हैं, स्टॉप होते हैं। संवर का मतलब स्टॉपर, जैसे दरवाजा होता है, आपने स्टॉपर लगा दिया तब कोई कचरा नहीं आएगा। वैसे ही आपने त्याग कर लिया, अभी जैसे क्लास चल रही है, आपने 1 घंटे का त्याग कर लिया, तो 1 घंटे के लिए आपका पाप का दरवाजा क्लोज हो गया, डोर क्लोज हो गया आपका, अब नो एंट्री, वो आ नहीं सकते, क्योंकि आपने स्टॉपर लगा दिया। क्योंकि स्टॉपर लगा देते उसके बाद निश्चिंत होते ना, रात को सो जाते, दरवाजा बंद है, मन में कह रहे अरे मैंने वो नहीं लगाया, बोल्टन क्या बोलते हैं, स्टॉपर, स्टॉपर नहीं लगाया। स्टॉपर लगाने के बाद आप निश्चिंत होकर सो जाते, अब कोई नहीं आ सकता है। वैसे आपने 1 घंटे का त्याग कर दिया, तो नो एंट्री, अब कोई पाप का आगमन आपकी आत्मा पर नहीं आ सकता है। आप 24 आवर्स में कितना त्याग कर सकते हैं, अपने को खाना पीना टोटल मिला करके 4 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए टाइम, लेकिन हम 24 आवर्स में बहुत कम त्याग करते हैं। कई लोग तो बिल्कुल करते भी नहीं होंगे, कुछ करते होंगे। तो हम जागरूक रहे तो हम बहुत सारा त्याग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, संभव होगा, यानी उससे पाप का जो डोर है वो क्लोज हो जाएगा। तो जैसे वो क्लोज हो गया, उसके बाद जो पुराने जो कर्म है, ओल्ड कर्म, अनंत काल के जो बांधे हुए कर्म आत्मा पे लगे हुए, उनको दूर करना है। कई बोलते हैं हम संवर करते हैं तो उससे तो हमारे कर्म तो रुक गए, लेकिन पुराने कर्म होगा उसका क्या होगा, जो पहले हमने कर्म कर रखे उनका क्या होगा, वो कैसे दूर होगा। उनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना है, निर्जरा करना है। निर्जरा का मतलब, ये निर्जरा के 12 भेद हैं, उनके नाम याद कर लेंगे, अनशन, ओनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग आदि जो 12 भेद हैं, उनमें से आप कितना कर सकते दिन भर में, आपको काउंट करना है कि आज निर्जरा के 12 भेदों में से मैंने क्या क्या किया। क्या मैंने मेडिटेशन किया, क्या मैंने सेवा की, क्या मैंने ओनोद्री की, क्या मैंने उपवास, उपवास नहीं कर सका तो कम से कम नौकाशी, पोर्शी, जो भी कर सकते हैं, एकाशन, निवी, जो भी आप कर सकते हैं, वो मर्जी से कुछ कुछ भी त्याग कर सकते हैं। कभी पोर्शी कर ली, कभी नौकाशी कर ली, कभी दिन में त्याग कर लिया 4 घंटा छोड़ करके, बाकी मुझे 20 घंटे तक त्याग है, ऐसे भी कर सकते हैं। रात को सोने के बाद सुबह सोते हैं तब तक तो कुछ खाते नहीं है, तो रात को सोए से भी कितना त्याग आ जाता है आपका। रात को आप सोते समय भी बचक सकते हैं, ठीक है, सुबह जब तक ब्रेकफास्ट न करें तब तक आप त्याग कर सकते हैं। तो कितना आप संवर कर सकते हैं, तो संवर से तो कर्म को हमने स्टॉप कर दिया, रोक दिया। निर्जरा से हमारे अंदर जो पुराने कर्म है उसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं। तो क्लीन हो, जितना जैसे घर की सफाई करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, आज घर घर कितना अच्छा लग रहा है, आज क्लीन हो गया पूरा। वैसे आत्मा पर जो कर्म लगे हुए हैं वो गंदगी हट जाएगी तो हमें भी कितना अच्छा लगेगा। आत्मा एकदम प्योर, ओरिजिनल जो उसका फॉर्म है, प्योर, हाँ
वो ओरिजिनल फॉर्म में वो आ जाएगी तो कितना अच्छा होगा। तो वो दिन धन्य होगा हमारा, कि आत्मा एकदम प्योर हो जाए। वो प्योर होगी तब हमें क्या होगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। केवल ज्ञान प्राप्त होगा फिर श्योर हमारा मोक्ष होगा। तो उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं होगा। सुनो फिर अप्लाई करो। सुनते तो हम टन भर है, लेकिन अप्लाई कितना करते, कण भर है। ठीक है ना, तो अप्लाई हमें करना है। तो ये निर्जरा के जो भेद है 12, तो वो हमारे में 12 पाते हैं। निर्जरा जीव को ही होती है, अजीव को नहीं होती है। किस निर्जरा के जीव कम, किस निर्जरा के जीव अधिक। तो व्युत्सर्ग वाले लास्ट जो 12वां भेद है, व्युत्सर्ग वो कम है। यानी व्युत्सर्ग का मतलब है चारित्र को ग्रहण करने वाले, आत्मा का साक्षात्कार करने वाले, वो जीव कम होते हैं। काय क्लेश यानी तपस्या करने वाले बहुत होते हैं। देखते हैं ना, तपस्या तो बहुत कर लेते हैं, श्रावक भी कर लेते हैं, साधु भी कर लेते हैं। लेकिन जो भेद विज्ञान का, व्युत्सर्ग का मतलब भेद विज्ञान करने वाले बहुत कम होते हैं। भेद विज्ञान जब हो जाएगा तब हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो व्युत्सर्ग वाले जीव कम है और काय क्लेश वाले जी अधिक हैं। ठीक है, तो काय क्लेश का मतलब तपस्या आदि करना, एक्सरसाइज। कई लोग करते ना, का शरीर को इतना कष्ट देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, कितना करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। और कभी कभी कई लोग देते हैं, वर्कर्स होते हैं बेचारे, धूप में इतना काम करते हैं, कितना कष्ट होता है। लेकिन उनके निर्जरा वो काय क्लेश तो हो जाता है, लेकिन उनके वो व्युत्सर्ग नहीं होता है। तो काय क्लेश करने वाले जीव बहुत है, यानी तपस्या करने वाले, शरीर को कष्ट देने वाले जीव तो बहुत है, लेकिन व्युत्सर्ग यानी भेद विज्ञान करने वाले जीव कम है। जो निर्जरा है वो उदय भाव नहीं है। उदय को छोड़कर शेष 4 भाव है, 5 भाव है उदय है, उपशम, क्षय, क्षय, पश्चिमिक, पारिणामिक। तो निर्जरा है, उदय नहीं है। निर्जरा से हमारा उपशम, उपशम होगा हमारा मोह कर्म, तब निर्जरा हम कर सकते हैं। जब या तो क्षय होगा तब भी हम निर्जरा कर सकते हैं, या क्षोपशम होगा, या पारिणामिक भाव, यानी कभी कभी सहज ही हमारी निर्जरा होती रहती है। कई लोग होते कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी निर्जरा होती रहती है। तो वो उनके एकदम भाव विशुद्धि होती है, तो उससे उनकी सहज ही निर्जरा होती रहती है। या जो वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं, वो सर्दी का, गर्मी का जो कष्ट सहन करते हैं, उससे उनकी निर्जरा होती रहती है। इसलिए एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आते हैं, फिर 3 इंद्रिय में आते हैं। यदि निर्जरा न हो तो कोई जीव आगे नहीं बढ़ सकता है। निर्जरा होती है इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप जीव आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो निर्जरा का आपको बोल क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोल है, वो जीव तत्व तो कहीं हमारा चल रहा है, मोक्ष के 4 वे। मोक्ष के 4 मार्ग हैं। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसमें तो 3 भेद बताए हैं, लेकिन उत्तराधर्म सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष के 4 भेद बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये जो मोक्ष के 4 भेद हैं, वो आप में कितने पाते हैं, श्रावक में कितने पाते हैं और साधु में कितने पाते हैं। श्रावक है तो 3 पाएगा, क्योंकि श्रावक के चारित्र नहीं होता है। ठीक है, तो श्रावक है, ज्ञान की आराधना कर सकता है, दर्शन की आराधना कर सकता है और तप की आराधना कर सकता है। और साधु होता है वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप चारों की आराधना कर सकता है, क्योंकि साधु के चारित्र होता है और ज्ञान भी, ज्ञान की साधना करते हैं, दर्शन की भी करते हैं आराधना और तपस्या भी करते हैं। तो साधु मोक्ष के 4 मार्गों का वो पालन करता है, यानी 4 मार्ग का वो फॉलो करता है। लेकिन श्रावक जो होता है वो 3 कर सकता है, चारित्र नहीं है श्रावक के पास। तो श्रावक है ज्ञान, जैसे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, दर्शन यानी आपकी श्रद्धा है देव गुरु धर्म के प्रति, वो आपकी श्रद्धा होगी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों के प्रति जो आपकी सही श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन है। तो आप तत्वों के प्रति जो सही श्रद्धा है तो उसकी भी आप आराधना कर सकते हैं। तपस्या भी आप करते रहते, छोटी मोटी, कभी नवकार्य कर ली, कभी पौर्षी कर ली, कभी उपवास कर लिया। कई लोग होते वर्षी तप करते हैं, कई मास खमण करते हैं। तो तपस्या भी श्रावक लोग कर सकते हैं। तो श्रावक लोग है मोक्ष के 3 मार्गों का वो फॉलो करता है। ठीक है, और साधु होता है वो चारों 4 मार्ग का पालन करता है।
मोक्ष जीव या अजीव? मोक्ष जीव है, क्योंकि जीव की ही मुक्ति होती है, अजीव की मुक्ति नहीं होती है। अजीव तो जहाँ है वहीं पड़ा है, उनकी कोई मुक्ति नहीं होती है। जीव की ही, जीव को ही कर्म का बंधन होता है, जीव ही मुक्त होता है। बंधता भी जीव है, मुक्त भी जीव ही होता है। यानी कर्म का बंधन भी जीव को होता है, अजीव को कोई कर्म का बंधन नहीं होता है, और जीव ही सेपरेट हो सकता है कर्मों से। ठीक है, तो मोक्ष है वो जीव है, क्योंकि जीव के ही मोक्ष होता है। यानी मुक्ति किसकी होती है? जीव की होती है, इसलिए मोक्ष जीव है। और किस मोक्ष तत्व के जीव कम, किस मोक्ष तत्व के जीव अधिक? तो चारित्र के कम, तप के अधिक। क्योंकि चारित्र तो वो छठे गुण स्तर में होता है, वो साधु की ही होता है। वो सारे साधु तो नहीं होते हैं, लेकिन बिना साधु बने तो तप तो सभी कर सकते हैं, तपस्या तो सभी कर सकते हैं। इसलिए तपस्या करने वाले जीव तो ज्यादा है। मोक्ष के चार मार्ग हैं, उसमें से तप का जो मार्ग है वो ज्यादा है जीव, और मोक्ष चारित्र की आराधना करने वाले जीव कम है। ठीक है, मोक्ष किस कर्म का उदय है? उदय नहीं है, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव है। क्योंकि आठों कर्मों का क्षय होता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है, और पारिणामिक भाव है, यानी जीव है, मोक्ष जाकर के भी वो जीव ही रहेगा, प्योर फॉर्म में रहेगा। उस समय वो उनके साथ कर्म नहीं होगा, सेपरेट जीव अकेला होगा, यानी प्योर प्योर होगा, वो एकदम शुद्ध आत्मा होगी वहां पे। मोक्ष में अशुद्ध आत्मा नहीं जा सकती, जब शुद्ध हो जाती है, एकदम प्योर सोल हो जाता है, तब हमारा मोक्ष होता है। जब तक हमारा सोल प्योर नहीं होता है, तब तक हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं। तो मोक्ष है वो क्या है? क्षायिक भाव। क्षायिक भाव का मतलब होता है आठों कर्म का जब क्षय होता है तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, चार कर्म का क्षय होता है तब भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, आठों आठ कर्म क्षय होते हैं। चार कर्म क्षय होने से तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो हमें आठों कर्मों को नष्ट करना जरूरी है। और मोक्ष क्या है? पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव क्या है? क्योंकि मोक्ष जाने पर भी जीव है, वो जीव के फॉर्म में ही रहेगा, जीव कभी अजीव नहीं बनेगा, वह शुद्ध आत्मा के रूप में वो स्थित हो जाएगा। जिस रूप में यहाँ से सिद्ध होगा उसी अवस्था में वो हो जाएगा वहां पे। मतलब यहाँ बैठे बैठे हुआ सिद्ध तो वहां भी बैठे के फॉर्म में होगा, अगर लेटे लेटे हैं तो लेटे लेटे हो जाएगा। वो दो तिहाई भाग रह जाता है, जितनी हाइट होती है उससे दो तिहाई वहाँ हाइट रह जाती है उनकी। मतलब वो एकदम लो के रूप में होता है, दीपक की लो कैसे होती है, उस रूप में वो उस फॉर्म में होता है। क्योंकि उनकी बॉडी तो है नहीं, बॉडीलेस है सिद्ध जी, इसलिए जगह किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए। तो आत्मा को कोई जगह नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा आत्मा तो जितना जैसा शरीर मिलता है उसमें आत्मा है वो समाहित हो जाते हैं। जैसे चींटी का शरीर मिला, चींटी चींटी कितनी होती है? चींटी होती है जो आंट होता है छोटा सा, इतनी सी बॉडी में भी आत्मा के असंख्य प्रदेश समाहित हो जाते हैं। और एलिफेंट होता है, कितना बड़ा उनका बॉडी होता है, उसमें भी आत्मा के प्रदेश समाहित हो जाते हैं। एग्जाम्पल देते, जैसे एक होल है, उसमें आपने एक बल्ब जलाया तो भी समाहित हो गया, 1000 बल्ब आपने जला दिया, 1000, तो 1000 बल्ब भी आपने लाइट कर दी उतनी, तो भी वो उसमें प्रकाश समाहित हो जाएगा, लाइट है उसमें आ जाएगी। वैसे आत्मा में भी यही है कि आत्मा को जैसा शरीर मिलता है वैसे ही वो संकुचित विकुचित होती है। आत्मा का स्वभाव है संकोच और विस्तार का, संकोच भी कर सकता है, विस्तार भी कर सकता है, फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। ठीक है, तो आत्मा है ये, जो मोक्ष है वो क्या है? आठ कर्म का क्षय होने पर प्राप्त होता है, इसलिए वो क्षायिक भाव है। वो पारिणामिक भाव इसीलिए है क्योंकि वो हमेशा अपने स्वरूप में ही रहेगा, जीव के रूप में ही रहेगा। तो हमारे जो 14वां बोल था वो कंप्लीट हो गया है। अब 15वां बोल है आत्मा आठ। आत्मा द्रव्य आठ है, तो द्रव्य कषाय योग उपयोग ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ये आत्मा के आठ प्रकार है। तो आत्मा के आठ प्रकार है, तो तुम्हारे में आत्मा कितनी? आठ आत्मा मैंने बताई, द्रव्य कषाय योग उपयोग ज्ञान दर्शन चारित्र और वीर्य, ये आठ आत्मा है।
है। तो हमारे में आत्मा कितनी है? जो श्रावक है उनमें सात आत्मा, चारित्र आत्मा नहीं पाते हैं, क्योंकि श्रावक में चारित्र नहीं है, वो देश व्रती है, तो उसको चारित्र में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। देश व्रती है, आंशिक व्रत है, पूर्ण रूप से त्यागी नहीं है। इसलिए श्रावक में बताया है कि श्रावक की अपेक्षा से, श्रावक की कंपेयर में तो हम क्या कहेंगे, सात सेवन सात आत्मा है, और साधु की कंपेयर करेंगे तो कहेंगे आठ आत्मा है, क्योंकि साधु में क्या होता है, चारित्र भी होता है। ठीक है, तो साधु पांच महाव्रतधारी होते हैं, इसलिए साधु के चारित्र आत्मा होते हैं। श्रावक होते हैं वो 12 व्रति तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण व्रति नहीं होता, इसलिए साधु में तो चारित्र आत्मा पाती है, लेकिन श्रावक में वो चारित्र आत्मा नहीं पाती है। तो श्रावक में सात आत्मा, और साधु में कोई पूछे साधु में कितनी आत्मा, तो आप बोलेंगे आठ आत्मा। ठीक है, आत्मा जीव या जीव, आत्मा जीव है। ठीक है, किस आत्मा के जीव कम, किस आत्मा के जीव अधिक, तो चारित्र आत्मा के जीव कम है, द्रव्य उपयोग व दर्शन आत्मा के जीव अधिक है, क्योंकि चारित्र तो हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन द्रव्य आत्मा यानी ओरिजिनल आत्मा वो सबके होती है। उपयोग, उपयोग से हम क्या करते हैं, चेतना का जो उपयोग होता है, ठीक है, उपयोग लगा सकते हैं, दर्शन का मतलब है देख भी सकते हैं, आत्मा के ये मतलब द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा, ये आत्मा है वो सबको होती है, इसीलिए ये ज्यादा है। चारित्र आत्मा है वो सबको नहीं होती है, वो साधु के ही होती है, तो साधु के चारित्र आत्मा होती है, इसलिए चारित्र आत्मा है वो कम, चारित्र आत्मा वाले जीव कम हो गए, क्योंकि मनुष्य ही चारित्र स्वीकार कर सकता है, बाकी नरक गति, तिरंज गति, देव गति कोई भी चारित्र स्वीकार नहीं कर सकता है। और लेकिन उपयोग तो द्रव्य आत्मा तो उनके भी होती है, नारकी वाले हो, चाहे देव गति के हो, चाहे तिरंज गति के हो, ठीक है, तो द्रव्य आत्मा तो सबके होती है, श्रावक के भी होती है, उपयोग आत्मा भी होती है, उपयोग से हम जानते हैं और दर्शन से हम देखते हैं। ठीक है, उपयोग हम लगाते ना, उपयोग, उपयोग से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और दर्शन से हम देख सकते हैं। तो ये द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा, ये तीन आत्मा तो सब में होती है, इसलिए सबसे अधिक द्रव्य आत्मा वाले, उपयोग आत्मा वाले और दर्शन आत्मा वाले जीव होते हैं, चारित्र आत्मा वाले जीव कम होते हैं, क्योंकि सब चारित्र स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और चारित्र स्वीकार करने वाला केवल मनुष्य ही होता है, उसमें भी यौगिक स्वीकार नहीं कर सकता है, 56 अंतरदीप के भी स्वीकार नहीं कर सकते, वो भी कर्म भूमि के मनुष्य ही स्वीकार कर सकते हैं। कर्म भूमि 15 कर्म भूमि है, तो 15 कर्म भूमि में 5 भरत, 5 अर्वत, 5 महाविदेह, 15 कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि के मनुष्य ही चारित्र को स्वीकार कर सकता है, बाकी कोई भी चारित्र को स्वीकार नहीं कर सकता है। हाँ, वंदामी, इसमें योग क्यों नहीं लिया? वंदामी क्यों? योग तो कोई भी जीव के रहेगा ही, इधर काया रहेगी, तो उसमें योग सुनीता, सिद्धात्मा में योग नहीं रहे ना, 14 करोड़ साल में योग नहीं रहे, तो इसीलिए मैक्सिमम किकर जाएगा तू। हाँ, 14 वर्ष साल में तो अयोग्य हो जाएगा ना, लेकिन योग्य हो ये जाएगी तो द्रव्य मैक्सिमम उपयोग दर्शन तो सब में ही रहेगा, मान रहेगा। लो वो सिद्ध भी हो गया तो भी उनके दर्शन तो रहता ही, उपयोग भी रहता है। ठीक है, लेकिन अयोग अवस्था तो 14 वर्ष साल में रहती, बाकी में नहीं रहती, यानी मगर योग इसमें है वो ज्ञान 13 वर्ष साल तक क्यों ही रहता है, नहीं आया? ज्ञान क्यों नहीं आया? चौदह मतलब दर्शन को लिया, ज्ञान आत्मा को क्यों नहीं लिया इसमें? ज्ञान आत्मा को क्यों नहीं लिया, दर्शन आत्मा को लिए ना? तो ज्ञान भी, ज्ञान और उपयोग, ऐसे हो ज्ञान सकता है दर्शन आत्मा ज्ञान आत्मा से ज्यादा है क्या? दर्शन आत्मा, ऐसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं, ज्ञान आत्मा दर्शन आत्मा से ज्यादा, ऐसा है, ऐसे ज्ञान से तो हम जानते हैं समझते हैं, दर्शन से हम देखते हैं, तो उसमें ज्यादा कम की बात नहीं है, अलग अलग अपना अपना काम है। नहीं, तो वंदामी दो रहेंगे ना, ज्ञान और दर्शन तो साथ में ही चलते हमेशा। हाँ, ज्ञान दर्शन तो साथ में चलते हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें ज्ञान है जी को उपयोग में कोई नहीं केवली भी बन जावे या केवली बन जावे, है। मगर ज्ञान दर्शन भी ऐसे हो केवली सकता है, दर्शन। जिसे ज्ञान होता है वो सम्यक दर्शी के होता है, मिथ्यात्व के नहीं होता है, ज्ञान मिथ्यात्व का वो ज्ञान अज्ञान माना जाता है। ओके
मिथ्यात्व ओके होते समझ हैं ना, तो गया, समझ किलवी से लेकर के चार अज्ञान। इंद्र तक के एकांत मिथ्यात्व होते हैं। तो किलवी से भी मिथ्यात्व होते हैं, 56 अंतरद्वीप के भी एकांत मिथ्यात्व होते हैं। तो उनके अज्ञान ही होता है, ज्ञान नहीं होता, ज्ञान सबके नहीं होता, लेकिन उनके उपयोगात्मा दर्शनात्मा वो हो सकती, द्रव्यात्मा। मिथ्यात्वी की मिथ्यात्मा दर्शन कही रहे हैं, मिथ्यात्वी की दर्शन कही रहे हैं। दर्शन का मतलब वो भी देखते हैं, समझते हैं, दर्शन से वो समझ तो सकते हैं। मिथ्यात्मी है उनका ज्ञान बने, ज्ञान तो चक्षु अज्ञान दर्शन हो आया, जाता चक्षु है। दर्शन केवल मिथ्यात्वी को चक्षु दर्शन दर्शन का होगा, मतलब अचक्षु दर्शन होगा, दर्शन का ना चक्षु दर्शन और अचक्षु अचक्षु। दर्शन। हाँ चक्षु से देखते हैं और चक्षु के अतिरिक्त जो चार इंद्रिय उनसे भी वो ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर आपके मुझे किस वीर्य कर्म के आत्मा क्यों होते हैं? नहीं है? तो कसाय वीर्य आत्मा आत्मा मोहनीय कर्म का उदय, जो कसाय आत्मा है वो मोहनीय कर्म का उदय है। मतलब कसाय गुस्सा कब आता है? क्रोध मान माया लोभ, ये चार कसाय, वो कसाय कब होती है? जब हमारे मोह कर्म का उदय होता है, उन व्यक्ति को ज्यादा कसाय होती है। कई लोग होते हैं बहुत शांत होते हैं, कई लोग होते हैं बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते रहते हैं, ईगो करते रहते हैं, माया करते रहते, चिटिंग करते रहते हैं, ग्रीड होता है। वो इसका मतलब है उनमें मोह कर्म का उदय ज्यादा है। जो कसाय आत्मा है मोह कर्म का उदय है, योग आत्मा नाम और मोहनीय कर्म का उदय है। योग आत्मा है क्योंकि योग है वो दो प्रकार का, शुभ योग भी होता है अशुभ योग भी होता है। शुभ योग है वो नाम कर्म का उदय है, अशुभ योग है वो मोहनीय कर्म का उदय है। यानी अच्छी एक्टिविटीज हम करते हैं इसका मतलब वो नाम कर्म का उदय है, इसलिए हम शुभ प्रवृत्ति करते हैं। जब हम बेड प्रवृत्ति करते हैं इसका मतलब मोह कर्म का उदय होता है, तब व्यक्ति गलत काम कर लेता है। ठीक है ना, जब मोह कर्म का उदय कम होता है तब व्यक्ति सही काम करने लग जाता है। वो नाम कर्म योग आत्मा है, वो नाम और मोह कर्म का उदय है। ठीक है, वो कैसे हो जाता है नाम और मोह कर्म का उदय? क्योंकि योग है वो दो प्रकार का होता है, शुभ योग भी होता है अशुभ योग भी होता है। शुभ योग होता है वो नाम कर्म का उदय है, अशुभ योग है वो मोह कर्म का उदय है। जो भी हम अशुभ काम करते हैं, यानी जो भी हम बुरा चिंतन करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, किसी का अनिष्ट चिंतन करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, वो सब क्या है? मोह कर्म का उदय है। यानी 18 पाप है एक प्रकार का, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, जो भी हमारे भाव आ रहे, झगड़ा करने के, निंदा करने के, चुगली के, वो सारे के सारे मोह कर्म का उदय है। 18 पाप निषेधात्मक भाव, नेगेटिव थॉट्स है। ठीक है, और शेष आत्मा उदय भाव नहीं है, खाली दो ही आत्मा है, 6 आत्मा उदय भाव नहीं है, बाकी केवल योग आत्मा, और बस योग आत्मा ही है। योग आत्मा नाम और मोहनीय कर्म को नहीं, शेष 7 आत्मा है वो उदय नहीं है, या तो उपशम क्षय क्षय उपशम से वो मिलती है, उदय से नहीं मिलती है। ठीक समझी है, जी, वीर्य वीर्य आत्मा किसमें पाई जाती है? केवली वीर्य आत्मा आप सभी में पाई जाती है, अपने में 8 आत्मा पाई जाती है, केवल तो फिर जब एक हमने मात्र में इसमें पाई जाती है। अधिक में लिया तो ऊपर वीर्य गया ना, आत्मा। आपने ऊपर का बोल था देखा ना कि आपने तुम्हारे में आत्मा कितनी, तो श्रावक की अपेक्षा 7। चारित्र को छोड़ा, वीर्य आत्मा को नहीं छोड़ा ना। वीर्य जी नहीं समझी जी, का जब हमने मतलब एनर्जी, शक्ति। तो जब हमने अधिक की संख्या काउंट की उसमें वीर्य आत्मा नहीं ली, किसमें? जब हमने कहा कि सबसे अधिक आत्मा किस कौन सी होती है तो हमने कहा द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा, तो उसमें वीर्य आत्मा नहीं आएगी क्या? इसमें वीर्यात्मा चारित्रात्मक जीव कम, द्रव्य उपयोग दर्शनात्मक जीव अधिक। वीर्य जैसे शक्ति होती है, वो जैसे मान एकेंद्रीय जीव है, वीर्य आत्मा तो है उनके, पर वो वीर्य का उपयोग नहीं कर सकते ना। एकेंद्रीय जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय वाले जीव है ना, उनकी वीर्य आत्मा वो उपयोग कैसे करेंगे? तो जिसमें मन नहीं होता ऐसा भी? अच्छा नहीं, वीर्य आत्मा तो सब में रहेगी, हर एक जीव में है वीर्य आत्मा, हाँ, तो वीर्य वीर्य तो सब में रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे अलग से नहीं बताया है, इसमें तो खाली ये इतने बताया है कि चारित्र आत्मा की जीव कम है, द्रव्य उपयोग दर्शन आत्मा की जीव अधिक है। ये अधिक वाला ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है वंदामी। चारित्र आत्मा समझ में आ जाएगा कि चारित्र लेने वाले बहुत ही कम है, वो तो तो समझ में।
वाला ही। ये भी क्लियर है कि द्रव्य आत्मा है वो ओरिजिनल फॉर्म में, द्रव्य आत्मा तो सबके जीव ही, तो जीव रहेगा ही, उसी के साथ उपयोग और दर्शन दोनों ही रहेगा। वीर्य है, सब में पावर दिखाने की शक्ति नहीं है, वीर्य है? तो वीर्यांतराय कर्म का क्षय क्षोप्तम होता है तब उसका उपयोग होता है, जब तक उनका क्षय क्षोप्तम वीर्य है लेकिन आप में वो क्षय क्षोप्तम नहीं, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अंतराय कर्म का वो होता है हाँ, वीर्य, जब तक ठीक है ना? अंतराय होती है ना, वीर्य होते हुए बोले खाते पीते कमजोरी लगती है, तो हाँ, जब वो हमें जब बल तक क्षय क्षोप्तम बल नहीं होता तब तक वीर्य का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन जब वीर्य आत्मा है तो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर ठीक है, सकते। समझ आ गया, समझ गए, समझ आ गया। तो वीर्य आत्मा सब में होती है लेकिन सब उपयोग नहीं कर सकते, जब वीर्य अंतरा का क्षय क्षोप्तम होता है तब उसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक जी है, और ये तो क्लियर हो गया, बाकी तो कषाय आत्मा मोहिनी कर्म का उदय है, योग आत्मा है नाम और मोहिनी कर्म का उदय, शेष आत्मा उदय भावना, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना, टाइम हो गया अपना, बाकी है भी। अच्छा तो 16वां बोल लेते हैं अपन, 16वां बोल दंडक 24, तो 24 दंडक के नाम तो सबको याद है। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि तुम्हारे में दंडक कौन सा, 24 दंडक है तो 10 बवनपति के हैं, 5 स्थावर के हैं, ठीक है, 3 विकलिंद्र के हैं, एक मनुष्य पंचेंद्र का है और बाकी 3 देवता के हैं, व्यंतर ज्योतिष वैमानिक, तो टोटल 24 दंडक हैं, 24 दंडक में से तुम्हारे में कौन सा दंडक है, तो मनुष्य पंचेंद्र का 21वां दंडक है। ठीक है ना, मनुष्य पंचेंद्र का हम काउंट करेंगे ना, 10 भवनपति की हो गया, 7 नारकी का दंडक एक, 10 भवनपति का, फिर 5 स्थावर के, वनस्पति का 16वां हो गया, द्विजेंद्र का 17वां, तेंद्र का 18वां, चतुर्थ का 19वां, हिरण्य पंचेंद्र का 20वां और मनुष्य पंचेंद्र का 21वां, व्यंतर का 22वां, ज्योतिष का 23वां, वैमानिक 24, ये 24 दंडक है, तो उनमें से 24 दंडक में से हमारे में दंडक कौन सा है, 21वां, 21। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। ठीक है, दंडक जीव या अजीव, दंडक जीव है क्योंकि मनुष्य तीरंज वो सारे क्या है, 5 स्थावर है, भवनपति है, नार की, सबके सब जीव है। ठीक है, इसलिए जीव है, दंडक का मतलब होता है कि जो जीव जैसा पाप कर्म करता है उसका फल भोगने के लिए उसको दंड दिया जाता है, दंड का मतलब उसको दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, जैसा आपने कर्म किया उसका आपको पनिशमेंट मिलेगा, वो देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती, लेट हो सकता है आपको लेकिन वो मिलेगा, जिस रूप में जैसा किया है किसी भी जन्म में, हमको अभी याद नहीं है लेकिन वो भी हमें, हमें याद नहीं है लेकिन हमारे कार्बन शरीर है उसके सीसी कैमरा लगा हुआ है, वो सब याद रखता है कि कब आपको वो फल मिलेगा। ठीक है, तो हमारे में एक दंडक है 21वां मनुष्य का, दंडक जीव या जीव, दंडक जीव है, किस दंडक वाले जीव कम, किस दंडक वाले जीव अधिक, तो 21वें दंडक वाले कम है मनुष्य है वो कम है, 16वें दंडक वाले अधिक है, 16वां दंडक है वनस्पति का है, तो वनस्पति के जीव अधिक है और मनुष्य है वो कम है, इसलिए 21वां दंडक जो 21वां दंडक के मनुष्य का है वो कम हो गए जीव, और वनस्पति है वो बहुत ज्यादा जीव है क्योंकि उसमें साधारण वनस्पति होती है उसकी अपेक्षा से वह अनंत जीव होते हैं, तो उसकी अपेक्षा से वनस्पति के जो दंडक है 16वां वो जीव ज्यादा है। दंडक किस कर्म का उदय है, दंडक है वो नाम कर्म का उदय है, तो नाम कर्म का जब उदय होता है तब हम जैसे शरीर हमें मिलता है, मनुष्य शरीर मिला है हमें, जो भी जाति रूप जो भी मिलता है वो नाम कर्म के उदय से मिलता है, दंडक है वो नाम कर्म का उदय है। ठीक है, तो हमारा 16वां बोल भी कंप्लीट हो गया। 17वां बोल लेस्य, अच्छा तो लेस्य के नाम आपको आते हैं, कृष्ण नील कापुर तेजस पद्म शुक्ल, ये 6 लेस्य है, तो 6 लेस्य में से फर्स्ट जो 3 है वो तो क्या है, अशुभ लेस्य है, और अंतिम 3 जो लेस्य है वो शुभ लेस्य है। ठीक है, तो हमें शुभ लेस्य में रहना चाहिए, अशुभ लेस्य में नहीं रहना चाहिए। लेस्य का मतलब होता है आत्मा का परिणाम, आत्मा के जो भाव उसको लेस्य कहते हैं, हमारे जैसे जैसे भाव बनते हैं वैसे वैसे हमारे परिणाम बनते जाते हैं, वो शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, तो शुभ शुभ जब हमारे परिणाम चलते हैं तब हम शुभ लेस्य में होते हैं, तेजस पद्म शुक्ल में,
जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, इसका मतलब है हम अशुभ लेशा में चले जाते हैं। अशुभ लेशा में जैसे जाए अपने आप को याद कर ले, मुझे शुभ लेशा में रहना है, मुझे अशुभ लेशा में नहीं रहना है। अब प्रश्न है कि तुम्हारे में लेशा कितनी, 6 लेशा है, क्योंकि 24 आवर्स में हमारे कितने विचार आते रहते, कभी अच्छे कभी बुरे चलते रहते हैं, 1 मिनट भी खाली नहीं जाता है। 1 मिनट में भी बोलते हैं 35 विचार आ जाते हैं, 35 थॉट्स आ जाते हैं, और 24 आवर्स में तो 60,000 थॉट्स आ जाते हैं, 60,000 इतने थॉट्स आते हैं। तो सारे के सारे थॉट्स अच्छे हो वो जरूरी है, सारे बुरे वो भी जरूरी है, तो अच्छे भी होते बुरे भी होते। एक दिन में हमें 6 लेशा भी आ सकते हैं, ठीक है, कभी एकदम हाईएस्ट लेवल के इतने अच्छे भाव आते हैं, कभी एकदम ऐसे भाव आ जाते हैं, तो बहुत कम लोग होंगे जिनके एक जैसे भाव रहते हैं, ठीक है। ये 6 लेशा हमें 6 लेशा मनुष्य में पा सकते हैं, ठीक है। मनुष्य में शुक्ल लेशा भी पा सकते हैं तो कृष्ण लेशा भी पा सकते हैं, मनुष्य मोक्ष भी जा सकता है तो मनुष्य सातवीं नरक में भी मनुष्य ही जाता है, ठीक है। मनुष्य तिरंजन भी जा सकते हैं। लेशे जीव या जीव, द्रव्य लेशे अजीव है, भाव लेशे जीव है, ठीक है। द्रव्य लेशे अजीव है और भाव लेशे है वो जीव है। किस लेशे के जीव कम, किस लेशे के जीव अधिक, तो शुक्ल लेशे के जीव कम, कृष्ण लेशे के जीव अधिक, क्योंकि शुक्ल लेशे कम होंगे कृष्ण लेशे ज्यादा होंगे। कृष्ण लेशे क्योंकि जो वनस्पति है वो सबके सब उनमें कृष्ण लेशा, जो यानी मिथ्यात्वी जीव है उनमें प्रथम 3 अशुभ लेशा पाई जाती है मिथ्यात्व में, ठीक है। मिथ्यात्व में 3 अशुभ लेशा पाई जाती है, और जो देवता होते हैं उनके तेजो लेशा होती है और पद्म लेशा भी होती है, शुक्ल लेशा भी होती है, यानी सम्यक दृष्टि जैसी है सर्वार्थ सिद्धिमान के, उन सबके शुक्ल लेशा होती है, ठीक है। तो शुक्ल लेशी जीव कम है, कृष्ण लेशा वाले जीव ज्यादा है, क्योंकि मिथ्यात्वी जीव ज्यादा है। लेशा किस कर्म का उदय है, द्रव्य लेशा नाम कर्म का उदय है, भाव लेशा मुख कर्म और नाम कर्म का उदय है। जो द्रव्य लेशा है वो तो नाम कर्म का उदय है, और भाव लेशा है वो मुख कर्म का उदय है। भाव लेशा का आत्मा का जो परिणाम है वो मुख कर्म के कारण कभी अच्छे बुरे होते रहते हैं, तो मुख कर्म भाव लेशा है, मुख कर्म और नाम कर्म। जो वर्ण है वो तो द्रव्य लेशा है, जो काला जैसे कृष्ण लेशा, जो ब्लैक कलर है, नीला कलर है, ब्लू कलर, जो ऑरेंज कलर है, व्हाइट कलर है, वो सब द्रव्य लेशा है। जो वर्ण है वो तो द्रव्य लेशा है, और जो भाव हमारे बनते हैं थॉट्स जो आते रहते हैं वो है भाव लेशा है हमारे। तो भाव लेशा है वो मोह कर्म और नाम कर्म का उदय है। जब मोह कर्म का उदय होता है तब लेशा अशुभ बन जाती है, जब नाम कर्म का उदय हो जाता है तब लेशा शुभ बन जाती है। तो शुभ अशुभ लेशा बनती रहती है, कभी मुख कर्म का उदय होता है, कभी नाम कर्म का उदय होता है। तो ठीक है, ये हमारा 17वां बोल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। समी जी, आपने कहा जो नाम कर्म के उदय से द्रव्य लेशा कभी अशुभ हो जाती है, वो कैसे? द्रव्य लेशा नहीं, भाव लेशा, भाव लेशा भाव लेशा अशुभ हो जाती है? अपने भाव शुभ अशुभ बनते रहते ना। अभी थोड़ा सा आपके अभी क्लास ले रहे अच्छे चल रहे हैं, फिर वापस काम करने लग जाएंगे तो थोड़ी देर में बुरे विचार भी आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं वो, हाँ जी, तो वो मोहनीय कर्म का उदय होता है। हाँ, मोह कर्म का उदय, जब बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव, इसका मतलब है आपके मोह कर्म आपके ऊपर हावी हो रहा है, जी तो समझ आप गई। वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि नहीं मुझे ऐसा विचार नहीं करना है, अरे कैसे आ गए मैं, वापस मन में पश्चाताप करते हैं, वापस शुभ की ओर चले जाते हैं, तो उसका नाम वापस आपके नाम कर्म का उदय हो जाता है। वो एक दिन में कितने वो विचार आते रहते, पता है ना, 60,000 थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। द्रव्य लेशा तो अपना जो वर्ण है, कलर है, वो द्रव्य लेशा है। भाव लेशा है हमारे थॉट्स, विचार, भाव, परिणाम। द्रव्य तो समझी जी, जो द्रव्य लेश है वो तो फिर मतलब एक मुनि और एक साधु देख सकता है क्या? नहीं, अपने जैसे आपके मान लो एकदम क्रूर परिणाम हो गए भाव, जी
ब्लैक ओरा हो जाएगा आपका, और आपके एकदम अच्छे विचार हैं, पॉजिटिव थॉट से चल रहे, तो आपके ओरा है वो एकदम अच्छा कलर हो जाएगा आपका, ब्राइट कलर हो जाएगा आपका, समझे? नहीं, ओरा का पिक्चर खींचने वाले आते हैं, तो उस समय अपने हाँ को क्या करते हैं, पहले मेडिटेशन में बिठा देते हैं, ध्यान में बिठा देते हैं, आप थोड़ा ध्यान कीजिए, ध्यान करेंगे मन शांत होगा, भाव शांत होंगे, अच्छे होंगे विचार, वो पिक्चर खींचेंगे, उसके बाद उसका पिक्चर अच्छा आएगा ओरे का। और वो जब आप एकदम नेगेटिव थॉट से कर रहे हैं, तो उस समय आपका अगर ओरा का पिक्चर खींचेंगे, आप देखेंगे एकदम धुंधला धुंधला ब्लैक जैसा आएगा, अदरवाइज आपका एकदम ऑरेंज कलर का या ब्राइट व्हाइट कलर का आ सकता है, ठीक है? जी समझे जी। वंदा में हाँ, मांगलिक पहले सुना देंगे। सत्तारु मंगलमहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पलतो धम्मो मंगलम, सत्तारी लोकतमा अर्हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पलतो धम्मो लोकतमा, सत्तारी शरणं कोवज्जामि, अर्हंते शरणं कोवज्जामि, सिद्धे शरणं कोवज्जामि, साहु शरणं कोवज्जामि, केवली पलतं धम्मं शरणं कोवज्जामि, विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया, सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। सुख शांति। अरहं।